हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री शेयरिंग। सो गाइस, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की ये 14th वीडियो होने वाली है। तो जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट वीडियो में हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को अच्छे से डिस्कस किया था, आज की वीडियो में हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अगर आपको प्रीवियस के वीडियोस देखने हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो अगर आपने प्रीवियस के वीडियो देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स होते हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, क्योंकि इसी को स्टडी किया गया था बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो देखो, हाइड्रोजन की जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो बहुत ही हेल्पफुल थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के एनालिसिस के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना और ज्यादा इजी हो गया था। ओके, तो चलो देखते हैं कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। ओके, सो इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द गैस कंटेन्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर। When an electric discharge is passed through the hydrogen gas, molecules dissociate into hydrogen atoms. The excited hydrogen atom thus produces emits electromagnetic radiation of different wavelengths. तो देखो, हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में फिल कर दिया जाता है एंड गैस के प्रेशर को लो कर दिया जाता है, ठीक है? और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस के थ्रू तो उसकी मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाती है एंड हाइड्रोजन एटम्स फॉर्म हो जाती है। ओके, एंड वी नो दैट हाइड्रोजन एटम्स आर वेरी एक्साइटेड, इजंट इट? तो वो एक्साइटेड एटम्स जो हैं उनमें से फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होने लगती है। ओके, और उन एमिटेड लाइट रेडिएशंस को स्पेक्ट्रोस्कोप से एग्जामिन किया जाता है, ठीक है? और जैसा कि हमें पता है कि एमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम में हमें बहुत सारे ब्राइट लाइन्स देखने को मिलते हैं एंड ईच लाइन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? सिमिलरली, जब हाइड्रोजन गैस के एमिटेड लाइट्स को एग्जामिन किया गया तो बहुत सारे ब्राइट लाइन्स को दिखा गया फोटोग्राफिक प्लेट में। ओके, सो इन्हीं ब्राइट लाइन से जो स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन हुई उसी को एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है? और क्योंकि हाइड्रोजन गैस से लाइट एमिट हो रही थी एंड ब्राइट लाइन्स की फॉर्मेशन हो रही थी, तो इस वजह से इसे एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ओके, तो फिगर में देखो हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को शो किया गया है। देखो, डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया गया है एंड जब उसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास किया जा रहा है तो एक बीम ऑफ लाइट उसमें बाहर आ रही है और स्लिट से पास होते हुए लेंस तक पहुंच रही है। फिर लेंस से पास होते हुए जब वो प्रिज्म में आके स्ट्राइक कर रही है तो देखो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट डिफरेंट एंगल से डेविएट हो रही है एंड फोटोग्राफिक फिल्म में अलग अलग पोजीशंस पे आके स्ट्राइक कर रही है अलग वेवलेंथ्स की लाइट, ठीक है? तो हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल में स्टडी किया था जे बामर ने इन द ईयर 1884। तो बामर ने बेसिकली विजिबल रीजन में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया था। उन्होंने पाया कि 4 ब्राइट कलर्ड लाइंस देखने को मिल रहे हैं हाइड्रोजन के विजिबल स्पेक्ट्रम में। तो ये थे वो 4 ब्राइट लाइंस, 1 रेड लाइन विद द वेवलेंथ ऑफ 6563 एंगस्ट्रॉम, सेकेंड लाइन इज द ब्लू ग्रीन लाइन विद वेवलेंथ 4861 एंगस्ट्रॉम, थर्ड इज अ ब्लू लाइन विद अ वेवलेंथ 4340 एंगस्ट्रॉम एंड फोर्थ अ वायलेट लाइन विद अ वेवलेंथ ऑफ 4102 एंगस्ट्रॉम। तो देखो, फोटोग्राफिक फिल्म में जो 4 लाइंस को देखा गया था विद डिफरेंट वेवलेंथ्स उसको स्पेक्ट्रम में इस तरह से शो किया जाता है। देखो कैसे रेड लाइन नजर आ रही है इन द वेवलेंथ 6563 एंगस्ट्रॉम। फिर देखो ब्लू ग्रीन लाइन जिसकी वेवलेंथ है 4861 एंगस्ट्रॉम, उसी तरह ब्लू लाइन की वेवलेंथ 4340 एंगस्ट्रॉम एंड वायलेट लाइन की
वेवलेंथ आप देखो 4102 एंगस्ट्रॉम। ओके, हाइड्रोजन के जो विजिबल स्पेक्ट्रम में ये फोर सीरीज ऑफ लाइंस हैं, इनको बामर सीरीज बोला जाता है। ओके, बामर ने इन लाइंस के वेवलेंथ्स को फर्दर अच्छे से स्टडी किया एंड सभी के लिए एक कॉमन इक्वेशन दिया जो कि थी 1/लैम्डा विच इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। और हमें पता है कि इनवर्स ऑफ वेवलेंथ मतलब वेव नंबर भी होती है न्यू बार, सो इट इज इक्वल्स टू आर 1/2² - 1/n². ओके, दिस इक्वेशन इज नोन एज बामर इक्वेशन। हियर आर इज अ कॉन्स्टेंट नोन एज रिदबर्ग कॉन्स्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 109,677 पर सेंटीमीटर and the value of n is 3, 4, 5, 6 etc. अब इस फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो n है ना, n के जगह पे अगर आप ये सब वैल्यूज पुट करो 3, 4, 5, 6 तो आपको बामर सीरीज की जो फोर लाइंस देखने को मिली थी उनकी वेवलेंथ मिलेगी। ठीक है, जब आप इस n के प्लेस पे 3 पुट करोगे एंड इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 6,563 angstrom, ओके, विच इज द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। सिमिलरली n के प्लेस पे जब आप 4 पुट करोगे तो आपको ब्लू ग्रीन लाइन की वेवलेंथ मिलेगी जो कि है 4,861। उसी तरह 5 पुट करने से ब्लू लाइन की वेवलेंथ मिलेगी एंड यहाँ पे 6 पुट करने से आपको वायलेट लाइन की वेवलेंथ मिलेगी। सो दिस इज द कॉमन फॉर्मूला फॉर ऑल द वेवलेंथ्स ऑफ दीज पर्टिकुलर लाइन्स प्रेजेंट इन द बामर सीरीज। ओके, तो यहाँ पे मैं एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको, बाकी सब आप खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, अदर फॉर्मूला 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू आर इंटू 1/2² - 1/n² इजंट इट। अब यहाँ आर के वैल्यू को पुट करते हैं विच इज 109,677 पर सेंटीमीटर, देन यहाँ पे n के वैल्यू को पुट करते हैं, सो आई एम पुटिंग हियर द वैल्यू ऑफ n टू बी 3। देन सी द नेक्स्ट स्टेप, 1/2² मीन्स 1/4 - 1/3² मीन्स 1/9। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व व्हाटएवर इज देयर इन द ब्रैकेट इजंट इट। सो आफ्टर टेकिंग द एलसीएम वी आर गेटिंग 9 - 4/36 विच इज 5/36 इंटू 109,677 पर सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल्स टू 5,48,385/36 पर सेंटीमीटर। सो ऑन सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 1/लैम्डा टू बी 15,232.9166 पर सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमें 1/लैम्डा की वैल्यू मिली है, मतलब वेव नंबर की वैल्यू मिली है। ठीक है, बट हमें तो वेव लेंथ की वैल्यू निकालनी है, दैट इज लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि बामर सीरीज में जो लाइंस प्रेजेंट है उनकी वेव लेंथ वैल्यूज दी हुई है तो हमें उसके साथ मैच करा के दिखनी होगी। सो हम लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों ही साइड को 1 से डिवाइड करके। ओके, तो यही है हमारी नेक्स्ट स्टेप। सो लैम्डा इज इक्वल 1/15233, 2.9166 थी उसको हमने 3 ले लिया है। ठीक है, और पर सेंटीमीटर 1 से डिवाइड होके सेंटीमीटर बन गई है। ओके, अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें लैम्डा की वैल्यू मिल रही है 6.564 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो ये हमें सेंटीमीटर में वैल्यू मिली है। ठीक है, तो अगर आप इसको नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो आपको यूनिट कन्वर्ट करनी होगी। ठीक है, तो ये देखो हम इन यूनिट कन्वर्जन्स को यूज़ करेंगे। सो वी नो दैट 1 centimeter इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ नैनोमीटर एंड 1 nanometer इज इक्वल्स टू 10 angstrom। दैट मीन्स 1 centimeter इज इक्वल्स टू 10⁷ × 10 angstrom विच इज 10⁸ angstrom। ओके, सो गाइज यूनिट कन्वर्जन्स की आपको हमेशा यूज होगी, सो आई सजेस्ट यू टू प्लीज लर्न दिस यूनिट कन्वर्जन सो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, अब हम लैम्डा के वैल्यू को एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे। ठीक है, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.564 × 10⁻⁴
पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6564 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, और ये इक्वल हो जाएगी 6564 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर 8 एंस्ट्रॉम। ओके, अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 6564 एंस्ट्रॉम। तो देख रहे हो, ये हमें बामर सीरीज के फर्स्ट लाइन मतलब रेड लाइन के वेवलेंथ के वैल्यू की अप्रोक्स वैल्यू मिल गई है। ठीक है, इसी तरह आप बाकी और तीन लाइंस के लिए भी वेवलेंथ की वैल्यूज निकाल के देख सकते हो। एन की वैल्यूज आपको उस केस में 4, 5, 6 पुट करनी होगी। ठीक है, तो एक बार जरूर ट्राई करके देखना। ओके, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, तो अब तक तो बामर सीरीज की बात हो रही थी। बाद में और भी साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो सिर्फ विजिबल रीजन में ही नहीं बल्कि अल्ट्रावायलेट रीजन एंड इंफ्रारेड रीजन में भी देखने को मिलती हैं। ओके, एंड उनमें भी सीरीज ऑफ लाइंस देखने को मिलती हैं जिस तरह बामर सीरीज में। ओके, तो ये हैं वो 5 स्पेक्ट्रल सीरीज। सबसे फर्स्ट में देखो लाइमैन सीरीज, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में देखने को मिलती है। देन बामर सीरीज जो कि हमने ऑलरेडी देखा कि ये विजिबल रीजन में प्रेजेंट है। थर्ड में पास्टन सीरीज जो कि इंफ्रारेड में देखने को मिलती है। फोर्थ इज द ब्रैकेट सीरीज, ये भी इंफ्रारेड रीजन में प्रेजेंट होती है। एंड फाइनली द फन सीरीज, दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन द इंफ्रारेड रीजन। सो टोटली देयर आर 5 स्पेक्ट्रल सीरीज इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो इस फिगर में आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के 5 सीरीज को देख सकते हो। देखो, जिस तरह बामर सीरीज में हमें बहुत सारे लाइंस देखने को मिले थे, सिमिलरली बाकी सीरीज में भी बहुत सारे लाइंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन 5 सीरीज के नेम्स प्लस वो किस रीजन्स में प्रेजेंट है ये याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, देखो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के डिफरेंट सीरीज के बारे में तो पता चल गया। ठीक है, बट वो पहले जो आपने फॉर्मूला देखा वो फॉर्मूला सिर्फ बामर सीरीज पे ही एप्लीकेबल थी। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला निकाला जाए जो कि सारे सीरीज पे एप्लीकेबल हो, ये भी एक क्वेश्चन थी। तो इसका सोल्यूशन दिया रिदबर्ग ने एक कॉमन फॉर्मूला दे के जो कि सभी सीरीज के लिए एप्लीकेबल थी। ठीक है, तो वो फॉर्मूला थी न्यू बार और 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 बाई एन 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई एन 2 स्क्वायर। ओके, एंड हियर एन 2 शुड बी ग्रेटर देन एन 1। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे किया जाता है। देखो लेमन सीरीज के लिए एन 1 की वैल्यू 1 होगी एंड एन 2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 एंड ऑल होगी। ठीक है, जब आप इसको पुट करोगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे तो आपको लेमन सीरीज की लाइंस देखने को मिलेगी। ठीक है, उसी तरह बामर सीरीज के लिए एन 1 की वैल्यू 2 पुट करनी होगी एंड एन 2 की वैल्यूज 3, 4, 5 ये पुट करना होगा। ठीक है, तो आपको उन पर्टिकुलर वेवलेंथ्स की लाइंस मिल जाएगी। सिमिलरली फॉर पास्टन सीरीज एन 1 विल बी 3 एंड एन 2 विल बी 4, 5, 6 एंड ऑल। देन फॉर ब्रैकेट सीरीज एन 1 विल बी 4 एंड एन 2 विल बी 5, 6, 7 एंड सो ऑन। एंड फॉर द फन सीरीज एन 1 विल बी 5 एंड एन 2 विल बी 6, 7, 8 एंड ऑल। So this is the one common formula which is applicable for all the series, and this is very important formula. Numerical type questions based on this formula and Rydberg constant are asked frequently. Okay, तो please आप इस formula को and Rydberg constant के values को ये सब याद रखना। Okay, next video में हम इन पर based questions solve करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। I hope you find this video helpful. So please like the video, share among your friends, and don't forget to subscribe my channel. Okay, thank you so much for watching.